what's up and welcome back to my channel. If you don't know, I'm from India and I love experiencing different states' ke culture, food, styles, especially fashion. So, today we're going to try states' ke, traditional Indian outfits. I am too excited. Let's get started. The first state is our Punjab, which is very close to my heart because my father is from Punjab, yes. And I had a little help from the internet. I had done my own research on it and I found out कि जो traditional dress है for women in Punjab is Punjabi सलवार suit. ओए होए try करते हैं यार. So I chose red color and सलवार suit में ये रही हमारी सलवार जो कि already pre-stitched है. In fact इसमें से elastic है, so I can be comfortable the entire day. मेरे को इसका जो पूरा ऐसे flare and design दे रखा है ना, वो like proper सलवार वाला दे रखा है, which is like amazing. इसके साथ matching में ऐसे red color का top, मतलब जो कुर्ती part होता है वो भी आया है. काफी आराम से मेरे को fitting आ गई. एक second, कुछ है यहाँ पे. हमारे पास ऐसे स्लीव्स भी दे रखे हैं, तुम बाद में स्टिच वगैरह भी करवा सकते हो. अदरवाइज ये ऐसे भी, अगर यू नो यू आर कंफर्टेबल, यू कैन वेयर इट लाइक दिस आल्सो. लेकिन इसका डिज़ाइन कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, मैं बता रही हूँ. मेरे पापा मेरे को सलवार सूट में देख के इतने खुश होने वाले हैं क्योंकि लाइक ही इज़ फ्रॉम पंजाब एंड मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ. तो लाइक उन्होंने कभी मुझे लाइक प्रॉपर ऐसे पंजाबी ट्रेडिशनल आउटफिट में नहीं देखा है, बट हियर आई एम, बिल्कुल ही सोनी कोड़ी लग रही हूँ मैं. इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ये. इनफैक्ट आई लव ऐसे प्यारा हल्का सा ऐसे यू नो ग्लिटरी वाला डिजाइन हो रखा है. एक्सेसरी के लिए आई एम थिंकिंग ये वाले बैंगल्स जो कि बिल्कुल ऐसे पुराने स्टाइल, ऐसे स्क्रू वाले, लाइक इसको ऐसे स्क्रू खोलना पड़ेगा तब जाके ये ऐसे खुलेंगे एंड देन यू कैन क्लोज इट अगेन. हेल्प मी यश. दिस लुक सो प्रिटी एंड मेरे को लगता है कि ऐसे ब्राइट रेड कलर्स में भी ज्यादा जचते हैं, है ना. मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्टेट है हमारी राजस्थान एंड हमें पता चला कि वहां पे पहना जाता है घाघरा चोली, जिसे बोला जाता है कांचली एंड ओढ़नी भी. तो आओ ट्राई करते हैं यार. तो ऊपर ऐसा कुछ ब्लाउज आया है, मेरे को प्रॉपरली फिट हो गया. इसका प्रिंट एंड डिजाइन कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है. ऑल्सो ये कॉटन फैब्रिक में, आई मीन कम ऑन, समर्स आर हियर, हम आराम से इसे समर्स में भी पहन सकते हैं. लेकिन जो इसका बॉटम पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा हैवी आया है एंड ये भी कॉटन फैब्रिक में ही है. इसमें भी ऐसे इलास्टिक आया है, सो आई कैन बी कंफर्टेबल द एंटायर डे एंड वी हैव अ दुपट्टा एज वेल. सबसे पहले इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है, लाइक मेरे को राजस्थान वाली वाइब आ गई है. मैं वहां ट्रांसपोर्ट हो गई हूँ एंड एट द सेम टाइम जो इस पे प्रिंट है वो ब्लॉक प्रिंट है, तो वैसे ट्रेडिशनल वाइब भी रही है एट द सेम टाइम. बट ओवरऑल इसका फिट भी बहुत ही अच्छा है. अगेन बेस्ट पार्ट इसका यही कि ये कॉटन फैब्रिक में है, मतलब मेरे को बहुत ही ज्यादा ब्रीदेबल लग रहा है, हल्का लग रहा है. लाइक आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने कोई लहंगा पहना हो जो कि बहुत ही हल्का हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हैवी आता है. इनफैक्ट ये भी थोड़ा हैवी है, बट बिकॉज इसका फैब्रिक थोड़ा ब्रीदेबल है ना, सो आई कैन जस्ट रोम अराउंड एंटायर डे बहुत ही फ्रीली आराम से. इसका दुपट्टा भी बहुत ही ज्यादा हल्का है. बिल्कुल पास से देखो ना दुपट्टे में जो ऐसे बॉर्डर पे जो ये प्रिंट है, ये सेम ऐसे ब्लाउज वाला इन्होंने फैब्रिक यूज किया हुआ है. I love the detailing. थोड़ा सा रूखा लग रहा था आउटफिट, तो मैंने इसमें ना सारी ही ऐसे सिल्वर ज्वेलरी लाइक विद बैंगल्स, नेकलेस एंड इयररिंग्स, ताकि वो ऐसे ओल्ड चार्म एंड ऐसे रस्टिक वाली वाइब आए. लाइक पूरी सिल्वर ज्वेलरी के साथ तगड़ा लुक लग रहा है. अब लग रहा है कि हाँ आई एम रेडी, आई कैन इवन अटेंड सम इवेंट या फिर मैं कहीं जा सकती हूँ, इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा है. तो नेक्स्ट स्टेट है हमारी केरला एंड वहाँ पे ना स्पेशली साड़ीज पहनी जाती है जिनका नाम होता है कसव साड़ी, जिसमें से जरी गोल्ड जरी का काम होता है. तो पहले ट्राई करते हैं. सो दिस इज हाउ कसव साड़ी लुक्स लाइक. इसमें जो ये गोल्डन जरी वाला काम है ना, इसकी मैं बात कर रही थी. एंड जो ये वाला जरी वर्क है ना, ये गोल्ड या फिर सिल्वर कोई भी कलर में हो सकता है, बट अभी मेरी साड़ी में गोल्ड का वर्क दे रखा है. ऑल्सो इस साड़ी में ना सिमिलर ही इसका ब्लाउज पीस भी आया है जो कि अभी मैं स्टिच नहीं करवा सकती, तो मैंने अपना ही पुरानी यू नो दूसरी साड़ी का अपना ब्लाउज पहना हुआ है. तो मेरी साड़ी बनकर हो गई है तैयार. मतलब मैंने अपने लेवल पे तो बेस्ट बांधने की तैयार करी है, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी तो रह ही गई है. ऑल्सो काश मेरे पास गजरा होता, मस्त मैं ऐसे ऊपर बन बनाती, बट अभी लूज हेयर भी अच्छा लग रहा है. लेकिन ज्वेलरी में वहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है. अब देखो मेरे पास रियल गोल्ड के बैंगल्स तो नहीं है, तो मैं ये नकली वाले जो मैंने फर्स्ट लुक में पहने थे हम उसी से काम चलाएंगे. बट ये बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहे हैं यार. एंड ऑफ कोर्स ये वाली साड़ी और चार्म लेकर आएगी जब हम इसका खुद का ब्लाउज पीस पहनेंगे एंड प्रॉपर ऐसे हेयर डू वगैरह भी करेंगे ना. नेक्स्ट ट्रेडिशनल आउटफिट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर से एंड मेरे को पता चला कि वहां का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको फिरन बोला जाता है, जो कि बोथ मेन एंड वुमेन दे कैन वेयर इट. आओ पहले ट्राई करते हैं यार. तो ये रहा हमारा फिरन एंड ये काफी ऐसे लूज ही आता है एंड ये काफी लंबा ही आता है. इसमें हमारे पास पॉकेट्स भी, कितनी ज्यादा लंबी पॉकेट्स है. आई लव द कलर सो मच, बिल्कुल ऐसे पहाड़ों वाली फील आ गई है. अगेन मैं टेलीपोर्ट हो गई हूँ वहां पे. इस पे ये थ्रेड वर्क भी कितना ज्यादा डिटेल्ड एंड प्रिटी लग रहा है. ऐसे हाथ पे भी दे रखा है बॉर्डर्स पे, कितना क्यूट लग रहा है. ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग आई वुड ड्रॉ. ऑल्सो दिस इज इन विंटर फैब्रिक, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऐसे नॉर्थ साइड में पड़ता है, बहुत ठंड पड़ती है वहां पे, तो उसके लिए
बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है एंड ये खुला भी बहुत है ना, तो तुम इसके अंदर बहुत लेयरिंग भी कर सकते हो. दिस इज समथिंग आई वुड लव टू वेयर इन दिल्ली आल्सो. मतलब ऑब्वियसली पहन नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत गर्मी लगेगी, बट ये सुंदर कितना लगेगा. नेक्स्ट हमारी स्टेट है मध्य प्रदेश एंड वहां पे भी वुमेन ट्रेडिशनली लहंगा चोली ही पहनती है, तो मेरे को लगा कि क्यों ना ट्विस्ट करे एंड जो मेन का ट्रेडिशनल आउटफिट है जो की है धोती कुर्ता वो ट्राई कर रहे थे. और ट्राई करते हैं. वैसे ना एक डिस्क्लेमर मेरे को वीडियो के स्टार्ट में भी देना था कि क्या पता आज की वीडियो में मेरी खुद की रिसर्च भी थोड़ी सी गलत हो, सो फील फ्री टू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. मतलब तुम मुझे बता सकते हो कि पर्टिकुलर स्टेट का ये ही एक यू नो ट्रेडिशनल आउटफिट होता है. कमिंग बैक टू द आउटफिट, ये रही मेरी धोती जो कि प्री स्टिच्ड है, इसमें भी ऐसे इलास्टिक दे रखा है. ऊपर ये रहा मेरा इतना प्यारा येलो कलर का कुर्ता जिसमें डिटेलिंग तो बहुत ही ज्यादा मस्त दे रखी है एंड मिक्स मैच लाइक व्हाइट एंड येलो कलर मिक्स में हमारे पास बहुत ही हल्का सा दुपट्टा है, लाइक इट्स वेरी छोटू ऑल्सो एंड यहाँ पे ऐसे यू नो गोटा पट्टी दे रखा है. आई लव गोटा पट्टी, मतलब बिल्कुल ऐसे लाइक स्कूल की याद आती है, लाइक इट ब्रिंग्स बैक ऑल द स्कूल की मेमोरी. बट एनीवे ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी. अच्छा ये इसलिए छोटा था, ये ऊपर नीचे हो गया था, काफी लंबा है ये. मेरे को देखो ये वाला अपना पर्सनल धोती कुर्ता सेट तो बहुत ही अच्छा लगा एंड मेरे को लग रहा है कि ऐसा समथिंग ना हम अपने खुद के पर्सनल वार्डरोब में से भी निकाल के अपना पर्सनल स्टाइल डाल के यू नो बना सकते हैं. दिस इज दैट सिंपल. मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्टेट है हमारी वेस्ट बंगाल एंड वहां पे तो हमें पता ही है द फेमस बंगाली साड़ी, लाइक व्हाइट साड़ी विद रेड बॉर्डर. आओ ट्राई करते हैं. तो ये है हमारी बंगाली साड़ी, अभी तो ये बन रही है लेकिन इसके साथ भी इसका फैब्रिक आया है, ब्लाउज पीस आया है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन अभी बेस्ट जो अवेलेबल है मेरे पास मैं वही पहनने वाली हूँ. देखो पर्सनली ना अभी मैंने सिंपल साड़ीज को ड्रेप करना सीखा है जिसमें भी अभी मैं परफेक्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन जो बंगाली साड़ीज होती है उनको ड्रेप करने का अलग तरीका होता है, विच आई थिंक राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू डू इट. लेकिन ओवरऑल ये जो साड़ी है कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही है. सिंपल वे में तो मैंने इसको रैप कर ही लिया है एंड ये काफी अच्छी लग रही है. अगेन इस पे जो ये बॉर्डर है काफी क्लीन वर्क है, लेकिन इससे भी ज्यादा नीचे बॉर्डर है, इस पे ऐसे एनिमल्स बने हुए, फ्लावर्स है, पीकॉक है, डियर है. ओ माय गॉड, देखो अगर तुम अभी मेरे को ऐसे देख रहे हो ना तो ब्लाउज को थोड़ा भूल जाता है, यहाँ पे ऐसे बाल ले आता है. ओवरऑल साड़ी का लुक देखो, ओ माय गॉड, मतलब ये जनरली मेरे को लग रहा है कि मेरे पे काफी अच्छी लग रही है. फर्स्ट टाइम आई हैव एवर ट्राइड अ बंगाली साड़ी खुद से बिना किसी की मदद के. ओ माय गॉड, मैं खुद से ही बहुत ज्यादा प्राउड हो रही हूँ, लेकिन आई रियली लाइक इट. नेक्स्ट स्टेट है हमारी हरियाणा. तुम बिलीव नहीं करोगे मेरी हाफ फैमिली हरियाणा से, इनफैक्ट मन्नी की तो पूरी फैमिली हरियाणा से बिलोंग करती है, तो उनकी ट्रेडिशनल आउटफिट है दामन, कुर्ती एंड चुंदर. एक एक करके डिकोड करते हैं, बट पहले ट्राई करते हैं. सबसे पहले हमारी कुर्ती एंड यहाँ पे कुर्ती का मतलब है शर्ट लाइक ब्लाउज जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है. भाई साहब मेरे कॉलर ही खड़े हो गए हैं. ये रहा हमारा दामन. दामन इज बेसिकली द स्कर्ट पार्ट ऑफ द आउटफिट. तो जो तुम्हारा दामन है वो कोई भी वाइब्रेंट कलर में हो सकता है. मैंने ऐसे ब्लू कलर लिया है एंड नीचे इसके ट्रेडिशनल गोटा पट्टी भी है. परफेक्ट. अब बारी आती है चूंदर की. ओके सो चूंदर मेरे पास एग्जैक्ट वाली नहीं थी. आई एम गोना मेक द बेस्ट आउट ऑफ जो भी मेरे पास घर पे अवेलेबल है, बट मेरे को पर्सनली लगता है कि इस चूंदर के अगर यहाँ पे इस साइड बॉर्डर पे वो बड़ा फ्लेयर वाला गोटा पट्टी होता ना ऑल ओवर, तो बिल्कुल ही चार चांद लग जाता है, फिर तो ये प्रॉपर लुक निकलता. कैन यू ऑल्सो बिलीव इट कि जो ये पूरा लुक है ये अलग अलग मैंने असेंबल किया है, ये सब एक साथ नहीं आया है, बट ये कितना एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है ना. मेरे को लग रहा है कि मेरी हाफ फैमिली और मनी की पूरी फैमिली बहुत ही खुश होने वाली है मेरे मुंह से दामन चूंदर कुर्ती ये वाले वर्ड सुनकर. मतलब मेरे को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है. थैंक्स मनी फॉर द थम्स अप. नेक्स्ट है हमारी स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश, एंड वो तो हमें पता ही है क्यों फेमस है, उनकी बनारसी सिल्क बनारसी साड़ी के लिए. तो आओ जल्दी से ट्राई करते हैं. तो ये रही हमारी सिल्क की साड़ी. ऑल्सो इसका ब्लाउज काफी डिफरेंट आया था जो कि ऑब्वियसली अभी अनस्टिच्ड है, तो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन मेरे पास यही है. एंड पूरी साड़ी कुछ इस तरीके से दिख रही है, मैं थक गई. ओह माय गॉड. इनफैक्ट ऐसी वाली साड़ीज ना लाइक हमारे घर में भी जैसे फंक्शंस वगैरह होते थे ना तो मम्मी को मेरे को याद है वो ऐसे पहनती थी, लेकिन ये वाली साड़ी ना थोड़ी ऐसे खड़ी खड़ी होती है, ऐसे फ्री फ्लोइंग नहीं होती, तो इनको पहनना इनफैक्ट पूरे दिन अगर कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो तो संभालना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो. लाइक आई कांट मैनेज, लाइक मेरे को जो हल्की वाली साड़ीज होती है ना वो ज्यादा ईजिली, जो जॉर्जेट वाली साड़ी होती है दैट्स ईजिली मैनेजेबल बाय मी पर्सनली. बेस्ट पार्ट इन सिल्क साड़ीज का ये होता है कि इसमें ना वैसे कुछ वर्क नहीं है, लाइक कुछ ऐसे एम्बेलिशमेंट वगैरह नहीं लगे हुए, लेकिन जो इस पे से सिल्क का वर्क दे रखा है ऑल ओवर, ऐसा लग रहा है कि कितनी ही हैवी साड़ी है, कितनी ही डिजाइन और कितनी ही महंगी होगी, बट
आजकल बहुत ही इजीली ऑनलाइन भी मिल जाती है. आई विल लिंक एवरीथिंग डाउन फॉर यू गाइस, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आई नो अभी बहुत सारी स्टेट्स बची हुई है, तो तुम मुझे बताओ पहली बात तो ये कि हमें पार्ट टू ऑफ द सीरीज बनाना चाहिए या नहीं, एंड इफ यस तो सर मुझे कौन कौन सी स्टेट्स इंक्लूड करनी चाहिए. लेकिन तुम मुझे ये भी बताओ कि आज के वीडियो में से तुम्हें कौन सी स्टेट का आउटफिट ज्यादा बेटर लगा, एंड क्या हम इस वीडियो को पुल ऑफ कर भी पाए या नहीं. लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स डाउन बिलो. टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं. बाय.